आज हम बाबा के गुरुकुल में NCERT क्लास 6 वसंत पाठ्यपुस्तक के चैप्टर 8 ऐसे ऐसे एकांकी को पढ़ेंगे। इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने अनेक लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण लिखे हैं। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास मुख्य भाव है। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में वह अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एकांकी क्या होता है। एकांकी का मतलब एक अंक वाला होता है, अर्थात एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर आधारित होता है। एकांकी में कम से कम उपकरणों के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा भाव उत्पन्न किया जाता है। किसी बड़े नाटक को काट छांट कर एकांकी की रचना नहीं की जा सकती, वहीं किसी एकांकी को खींच तान कर नाटक की रचना भी नहीं की जा सकती। तो अब हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पात्र का परिचय ले लेते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उनका पड़ोसी है, माँ मोहन की है, पिता मोहन के पिताजी हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। आपको इस एकांकी को कल्पना करनी है, ठीक है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। एक समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, मतलब इस समय वो बहुत बेचैन है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, नाना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंटसंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी
मेरे पेट में कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ा होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहा है। कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4332 है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। खाया? तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप काहे, तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस में लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ, माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ फिर सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता था, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है ना, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर में सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है? इफे छेड़, उफे पछाड़, उसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है,
माँ, पर अब तो बेचारा कैफा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ हो तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे 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 ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या है, क्या हुआ? मोहन रुआसा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी कहाँ है? मोहन, मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बचा क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर में चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आया यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी, दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देना, दो तीन दस्त होगी बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी दौर की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर दिया? माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है।
डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की अठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी। कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसा ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाता है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, डर तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी,
मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट से तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या 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 हुआ? माँ, क्या क्या होता है, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता हैं, दवा किसी सी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, एक अठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पे आपकी ये एकांकी समाप्त होती है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। तो एकांकी का जो पहला प्रश्न है वो है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क के बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो इस बैठक पूरी तस्वीर को आपको स्वयं से बनाना है, हम आपको इसका विवरण दे देते हैं, आपको कल्पना करना है और इसे स्वयं बनाना है। जैसे बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, उसके ऊपर सोफा सेट रखा है, कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं, दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अपने पेंटिंग में, तस्वीर में बनाना है, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी। तो मोहन की माँ क्यों घबरा रही थी, तो माँ का घबराना स्वाभाविक है, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। हमारा यहाँ का तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो, ठीक है। तो आप स्कूल ना जाने या काम पूरा ना होने की वजह से जो बहाने बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसमें कुछ कॉमन बहाने हैं, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, माता पिता के साथ कहीं जाना, बस छूट जाने का बहाना इत्यादि, ठीक है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, ठीक है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए, मान लो एक बार उसे
सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। तो ठीक है, इसके उत्तर को जान लेते हैं। मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो अब मोहन ऐसे तड़पता रह जाएगा, छटपटाता रह जाएगा, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसीलिए कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा सिरे हैं के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले को देख लेते हैं। इतनी नई नई बीमारियां हैं, तो इसका मतलब हुआ इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं। ठीक है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। दूसरा है तो इसको लिख सकते हैं इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। तीसरा है तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, इसका मतलब तुम तो बहुत चालाक हो। ठीक है, तो अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसके मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। ठीक है, तो आप अगर अपने किसी दोस्त का तबीयत खराब होने पर उससे मिलने जाते हैं तो उससे क्या पूछते हैं उसे आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, जैसे वो कैसा है, उसने कुछ खाया कि नहीं खाया, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे वक्त में पुलिस फायर ब्रिगेड डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो ये भी आपको स्वयं ही करना है, लेकिन संकट के समय में जो नंबर आपको याद रखना है वो पुलिस का नंबर है जो कि 100 है, फायर ब्रिगेड का नंबर है 101 और एम्बुलेंस का नंबर है 102। तो इन नंबरों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा होता तो क्या होता। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, तो ये आपको लिखना है। तो ऐसी स्थिति में मोहन मास्टर जी जो थे, अगर मोहन सिर हिलाता कि हाँ काम पूरा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच में दर्द है। ठीक है, वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो इस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता था। अब हम देख लेते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में हम देखते हैं, मोहन ने केला और संतरा खाया। खा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। गा है मोहन ने क्या खाया और घा है मोहन केला और संतरा खाओ। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में से कुछ पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है, बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य किसी के होने के बारे में बताता है उसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं।
चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये आप चार प्रकार के वाक्य समझ गए हैं, ठीक है। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी तीन रूप सोच कर लिखो। तो यहाँ पे लिखा गया है बताना। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो ये कोई किसी को बता रहा है कि रूथ ने अलमारी में कपड़े रखे। अब हमें क्या क्या बनाना है, मनाही के लिए यानी नहीं के लिए, और पूछना के लिए और आदेश देने के लिए वाक्य बनाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, नहीं या मना करना के लिए वाक्य बना लेते हैं। तो क्या है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ठीक है। अब दूसरा बना लेते हैं पूछना के लिए, ठीक है। तो हम कैसे पूछेंगे, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तो कोई पूछ रहा है कि क्या रूथ ने अलमारी में कपड़े रखे। अब हम अपना लास्ट देख लेते हैं, आदेश देने के लिए कैसे बनेगा। तो रूथ कपड़े अलमारी में रखो, मतलब ये आदेशवाचक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।